खुशी रहो, आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। हमारे सामने बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर रेत में छिपा हुआ मिला है 10,000 साल पुराना विशालकाय जानवर का एक शेल। तो चलिए जानते हैं ये मामला कहाँ का है और वो शेल किसका है, वैज्ञानिकों का क्या कहना है इसके ऊपर। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। बोलते हैं कि हमारी धरती जो कि पुराने समय से ही कुछ ना कुछ ऐसी सब चीजें होती आई है इसके ऊपर, कभी कभार ऐसे युद्ध हुए हैं, कभी कभार ऐसे जानवर आए हैं, डायनासोर आए हैं और उन्हीं के साथ बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो एक्चुअली आजकल उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुका है। पर बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि एक्चुअली में असल में थे पर उसके बाद वो नहीं रहे हैं, और कोई अच्छे ऐसे जानवर है जो हजारों साल पहले भी थे और आज भी है। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो हाथी भी बहुत साल पहले थे, आज भी हैं, पर हम हाथी का जो हमारे मन में जो गुणवत्ता है, जो मतलब कि हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, वो आज ही करते हैं, आज भी करते हैं। पर इसके साथ साथ ऐसे जानवर थे जो एक्चुअली बुलेट प्रूफ बने हुए थे, मतलब कि उनका जो शेल्स वगैरह थे वो काफी ज्यादा मजबूत हड्डियों से बने हुए थे। और इन जानवरों को एक्चुअली युद्ध वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था, इनको पेट बनाया जाता था, जैसे कि आजकल आप लोग पेट बनाते हैं बिल्ली को, कुत्ता को, और उस वक्त ये सब चीजें किए जाती थी। हमारे सामने ये खबर अर्जेंटीना से आ रही है, वहां पर एक्चुअली समुद्री तट पर एक इंसान जो कि मछुआरा है वो कुछ खोद रहा था मिट्टी में, और उसके बाद उसको कुछ नजर आया, उसके हाथ में कुछ लगा, तो उसको लगा कि शायद कुछ डायनासोर का अंडा है या कुछ, उसके दिमाग में काफी सारी बातें चलने लगी। और जब उसने पूरा खोद के देखा तब उसको बहुत ही बड़ा एक शेल नजर आया जो कि काफी ज्यादा पुराना था, और पुराने देख के इस शेल को देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। और उसके बाद इस शख्स ने वहां के वैज्ञानिकों को इसके बारे में बताया, तो वैज्ञानिकों की टीम वहां पर पहुंची और इस शेल को उठा के लेके गए, और उन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जो शेल है ये एक्चुअली बुलेट प्रूफ शेल है, अगर इसको काफी देर तक मारा भी जाए या गोलियां भी लग जाए तो इसके आर पार नहीं जाएगी, और ये नेचुरल तरीके से बना हुआ है, और बोला जा रहा है कि ये 10,000 साल पुराना है, और उस वक्त एक्चुअली इसको युद्ध वगैरह में यूज किया जाता था, और ये जो शेल है काफी ज्यादा मजबूत है, और वो जो शख्स है जिसने इसकी खोज की है वो भी काफी ज्यादा खुश है कि एक्चुअली हमारी धरती पे ये सब चीजें भी अभी भी मौजूद है, मतलब कहीं ना कहीं दबी पड़ी है जो हमें अभी मिल रही है। इस जो शेल का जानवर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जानवर एक्चुअली 11 फीट लंबा हो सकता है और 2000 किलो से भी ज्यादा इसका वजन हो सकता है, मतलब काफी विशाल का ये जानवर है जिसका शेल वहां पर मिला है। आई होप गाइस इसके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा कि रहस्यमय चीजें आजकल की दुनिया में भी हमें दोबारा से मिल रही है, हमें जानकारी मिल रही है, साइंस को जानकारी मिल रही है, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, हम लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, जो कि नॉलेज के रास्ते में काफी ज्यादा बड़ी चीज है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि दुनिया भर की खबर हम जल्द से जल्द आप तक लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज़।